नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों की। इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर भारत छोड़कर बांग्लादेश कौन सी पढ़ाई करने गए हैं ये छात्र। बांग्लादेश के संकट के बीच एक खबर जिसने लोगों का ध्यान खींचा कि आखिर बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन आज बात उन छात्रों की भी कर रहे हैं जो बांग्लादेश में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। अब कह सकते हैं कि भारत से भी क्या छात्र छात्राएं बांग्लादेश पढ़ने के लिए जाते हैं? तो जवाब है हाँ। आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिसे भारत की जगह बांग्लादेश में भारतीय छात्र छात्राएं पढ़ने में या पढ़ना पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें कि बांग्लादेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या करीब 9000 से ज्यादा है, लेकिन पिछले महीने यानी जुलाई तक करीब 7000 से ज्यादा भारतीय छात्र बांग्लादेश में माहौल बिगड़ने के बाद भारत लौट आए थे और अब इंतजार है कि कब बांग्लादेश का माहौल दुरुस्त हो और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो वापस बांग्लादेश लौट जाएं और अपनी पूरी पढ़ाई करें या कंप्लीट करें पढ़ाई। तो पहले ये जान लीजिए कि बांग्लादेश जाने वाले भारतीय छात्रों में सबसे बड़ी संख्या मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों की है। उसकी वजह भी है, दरअसल भारत में मेडिकल की पढ़ाई के मुकाबले बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई करना काफी सस्ता है, काफी चीप है। इसके अलावा बांग्लादेश का देश के काफी नजदीक होना भी एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी आप सड़क और हवाई दोनों रास्तों के माध्यम से बेहद जल्द बांग्लादेश आ जा सकते हैं और इसमें खर्च भी बेहद कम होगा। यानी रशिया या यूक्रेन में अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आपको केवल ट्रेवल पर ही लाखों रुपए खर्च करने होंगे, जबकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश तो अब इतने अच्छे ढंग से भारत से जुड़ा हुआ है कि कोई भी महज कुछ घंटों में कोलकाता आराम से पहुंच सकता है, यानी कि देश पहुंच सकता है। तो बेहतर कनेक्टिविटी और कम दूरी के अलावा दोनों देशों की समान संस्कृति भी भारतीय छात्रों को बांग्लादेश में पढ़ाई करने के लिए आकर्षित करता है। दूसरा, भारत में मेडिकल की सीमित सीटें और पढ़ाई का ज्यादा खर्च इसकी एक और सबसे बड़ी वजह है। इसे यूं समझिए कि जहां मेडिकल की पढ़ाई में भारत में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं, वहीं बांग्लादेश में ये 40 लाख या कहीं इससे भी कम रुपए में मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। और दूसरा, भारत की करेंसी बांग्लादेश से मजबूत होने का फायदा भी भारतीय करेंसी की वजह से छात्रों को मिलता है, यानी पढ़ाई और मेडिकल की पढ़ाई और सस्ती हो जाती है। एक और वजह है, दरअसल पश्चिमी देशों में से कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर भारत से बाहर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे देश लौटने वाले भारतीय छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE पास करना होता है और इस परीक्षा में पास करने वालों में से बांग्लादेश में पढ़े भारतीय छात्रों का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। इसके अलावा दोनों देश का सिलेबस लगभग समान है और बांग्लादेश में छात्र वही किताबें लगभग पढ़ते हैं जो भारत में मेडिकल की पढ़ाई में पढ़ाई जाती है। यानी ये आंकड़ा एक और दिलचस्प आंकड़ा है। हालांकि कुछ आंकड़े बताते हैं कि आपको भारत सरकार के आंकड़ों की माने तो 2022 में 13 लाख से ज्यादा छात्र विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए थे और इनमें से 9000 से ज्यादा छात्र केवल बांग्लादेश गए थे। बहुत वक्त नहीं गुजरा है कि बांग्लादेश से पहले कुछ ऐसे ही हालात यूक्रेन में भी बने थे, रशिया के पड़ोसी देश, जहां हजारों की संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने हर साल जाते थे। जब संकट आया तो हजारों मेडिकल छात्रों की बामुश्किल सुरक्षित वापसी कराई गई और बहुत सारे जो छात्र हैं वो तो अधूरा मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर ही भारत लौट आए और फिर उसे पूरा नहीं किया। अब आप देश में मेडिकल एजुकेशन की स्थिति भी जान लीजिए। देश भर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या करीब 700 से ज्यादा है, जिनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 380 से ज्यादा है, जबकि 250 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज ट्रस्टों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बाकी के जो कॉलेज हैं वो निजी क्षेत्र के हैं। और सीटों के लिहाज से भी बात करें तो कुल 1,09,000 से ज्यादा MBBS की सीटें हैं इन सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कॉलेजों में, जबकि केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 48,000 MBBS की सीटें उपलब्ध हैं और इन मेडिकल सीटों के लिए करीब 2024 में करीब 24 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया, जबकि सीटें केवल 1,09,000 हैं MBBS की। तो क्या देश में, ये वाकई सवाल है, आप इस आंकड़े को थोड़ा जरूर समझिए कि 1,09,000 कुल सीटें हैं MBBS की और 24 लाख से ज्यादा छात्र MBBS के लिए एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, यानी 1,10,000 या 9,000 तो जिन्हें सीट मिल गई और इनमें से भी करीब 40-42,000 सरकारी सीटें हैं, बाकी निजी क्षेत्र या निजी कॉलेजेस में हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, जो कि हर व्यक्ति
या हर परिवार अफोर्ड कर नहीं सकता, तो फिर ऐसे में विकल्प क्या बचता है? विकल्प में बचते हैं वो तमाम देश जो MBBS की पढ़ाई कराते हैं लेकिन जहां भारतीय छात्र कम पैसों में पढ़ाई कर सकते हैं, और ऐसे देशों में बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां बेहद कम दामों में पढ़ाई की जा सकती है और लौटकर उस विशेष एग्जाम को भी आसानी से पास किया जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या देश में मेडिकल एजुकेशन को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता? क्या और सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती? 109,000 के पैरामीटर को बढ़ाकर क्या और नहीं किया जा सकता? सरकारी स्तर पर